गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। एंड इफ यू आर एन सब्सक्राइबर देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शीतल तोमर एंड आई वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये है मेरा छोटा सा ब्लॉगिंग चैनल। और अब शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की ब्लॉग की। तो आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी, मैं जाऊँगी ड्यूटी पे, उसके बाद हम परुष्का को पिक करने के लिए जाएंगे मैं और विकी। कल है मेरा ऑफ, तो दैट्स द प्लान फॉर होल डे। इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब इसके बाद सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। गर्म पानी में पी चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ, घर की साफ सफाई कर झाड़ू लगा दी, पोछा लगाने वाली हूँ, जो कि रूटीन है। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे व्लॉग्स में दिखाया हुआ है कि हाँ ये सारे काम मैं ही करती हूँ और मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं आती, बिकॉज दैट्स माई हब्स एंड दैट्स माई लाइफ स्टाइल एंड दैट्स हाउ आई लिव। ठीक है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या कुछ भी ऐसा। तो अभी पोछा बाल्टी तैयार है और पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद रेडी होकर निकलूंगी ऑफिस के लिए। डायरेक्टली मैं आपको मिलती हूँ ड्यूटी के बाद। अरे वो तो जीत मिली ना, जब थोड़े जीत के पता था तो वहाँ बंदा के लॉकडाउन में तो ना लगता। नहीं वो नहीं लगता है, मैंने मॉल भी करके घर में आ गया। ले से ले लेना ना, कोई नहीं लगी लगा तो घर में आता थोड़े में। फिर दो चार गर्लफ्रेंड बनाते, एक इधर एक उधर। कोई नहीं कहता ना, टीवी वाले अलग है। मम्मी तो पूरा ड्राइंग पेट्रोल बिल्कुल फील, लेकिन इसकी गैस तो नहीं होना, सुबह उठता पछताता था। अरे ठीक है परिवार तो ठीक है, पर कुछ नहीं रखे पे आप। तो जब बालक हो जाए जी तो नहीं लगता है, जब ब्याह नहीं होता फिर बालक ही नहीं होते। फिर भी तो जब कर लेते 34-35 साल तक देखता मैं, अगर लगता तो ठीक है। 34-35 साल के बाद आपको कौन देखता, ये भी तो पता। जिन्हें मैं 34-35 साल तक देखता हूँ वैसे ही कोई सी देख लेती जरूर। आपकी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी ना, सारी गर्लफ्रेंड का आपने झूठ मत बोलो मुझे, आपकी सारी। क्या बना रही है, कॉफी है? वाह इतनी टेस्टी कॉफी, थैंक यू थैंक यू। पापा बनाना खाएंगे, बनाना खा रहे हैं इसलिए पापा को कॉफी नहीं देगा। अच्छा माँ जी को, माँ जी को तो पिला दो कॉफी। अच्छा मम्मी, अच्छा ठीक है, माँ जी को भी बेटा तो चाय तो दे दो माँ जी को। मोटे आपने तो मुझे स्टारबक्स की कॉफी पिलाई नहीं, ये मैं बेटी नहीं पिला दी। स्टारबक्स से बहुत ज्यादा टेस्टी है ये तो वर्ल्ड, ये तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी है भाई, ये तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी है। चांद माँ जी को देखो, माँ जी को भूखी भूखी लग रही है, माँ जी को नहीं पिलाओगे तो पिला दो, जाओ माँ जी के लिए दूसरी बना दो कॉफी, अलग से कॉफी बना दो। यस हाँ अलग से कॉफी बना दो। दिखाओ इतनी सुंदर कैप कहाँ से लाए आप, पीछे वाह इतनी सुंदर कैप वाला बच्चा, वाओ का ये कैप इतनी सुंदर कैप वाला बच्चा। फिर से अरे बच्चे आराम से, इतना टाइट नहीं,
ये तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। कहा है दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा? कहा है मम्मा का जान? कहा है आज हम गए थे वरुष्का को लेने के लिए उसकी नानी के घर। तो मम्मी ने बनाई थी घिया की खीर, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सर्व करने से पहले, क्योंकि कस्टर्ड मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा अब की बात पहले ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना खत्म हो जाएगी। और मेरी मदर वर्ल्ड की बेस्ट बेस्ट खीर बनाती है, चाहे वो चावल की हो, चाहे सेब की हो, चाहे घिया की हो। अभी मैं खीर दिखाती हूँ आप लोगों को, उससे पहले वरुष्का को पागल बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उसे अगर मैं बोलूँगी ना खीर है तो वो नहीं खाएगी। तो ये जो इस टाइप का आइसक्रीम वाला कप होता है ना, मैं वॉश करके रख लेती हूँ, और इसके अंदर उसको कुछ भी अगर मुझे देना होता है जैसे, तो वो मैं इसी के अंदर दे देती हूँ खीर वगैरह। तो पहले मैं उसको दे दूँ उसके। और ये है खीर जो मम्मी ने बना के भेजी थी, ये डब्बे में थी ऐसे, और मैंने अभी इसको सर्व किया है घर वालों के लिए। तो पहले घर वालों को खिलाते हैं खीर, यम्मी यम्मी खीर, बहुत यम्मी है, एकदम टेस्टी टेस्टी। हो गया डांस? नहीं, फिर से चलाएगा। अरे मेरे सोना, कितना पोना पोना है ये सोना, कितना पोना पोना है भाई। कहाँ बैठा है तू? उस रूम में बैठो जाके। आई वेट तो आराम नहीं मेरे तो जी कर रहा। आपके साथ आपकी मोटर स्किल्स बढ़िया होंगी। सुनो तो दिखाओ, ये करके दिखाओ फिर से। रात के 12:30 बजे क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है भाई? सो जाओ, इट्स 12:30। आना बेटे प्लीज, आ जाओ, सोई सोई करेंगे। आओ बेटे, पापा को भी सोना है प्लीज। बेटे 12:30 हो गया, आ जाओ। 15 मिनट हो रखी है, 12:15 बजे इट्स 12:30। सो जाते हैं आप वो शुम के लिए तो उठे थे आप, फिर से लेट जाओ, लेट जाओ। अरे आप लेट में तो नहीं दे रहे, आ जाओ। रात के 12:30 हो रखे, मेरा पेट था। अरे बच्चे सोने को तैयार नहीं, ये होता है असली पेरेंट्स सोना। मेरा बेटा कल दिन में आपको पापा नया डांस सिखाएंगे, हाँ इस पे ना हम दूसरा डांस करेंगे। आओ। क्या हुआ? आओ आपसे लाइट बंद करवाऊंगा, आप खुद स्विच ऑफ करोगे। आओ। हाँ नो, अपने माँ को बता दो कोई अपने बाबा का नाम बता दे। बता दो, दादी माँ को बता दो। तो अभी हो जाएगा 12:30। ठीक है, वरुष्का सो गई तो हम कोशिश कर रहे हैं उसे दोबारा सुला दे, लेकिन वो सोने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। आओ आओ, सोई सोई करेंगे। चलो गुड नाइट। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले लाइट ऑफ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर।